सुनेगा ना, मेरा पिछले 14 साल पुराना दोस्त है ये। इन्होंने नेहा कक्कड़, अलीशा चिनोय, लाभ जंजुआ, दिलजीत दोसांझ के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं। अगर आपने दिलजीत का गाना जिंद माई सुना हो तो इन्होंने लिखा है। इज अ वेरी डियर फ्रेंड, बहुत लंबे हाइट में, बहुत सारा शोर मचाओ फॉर गुड नजर चट्टा। कैसे हो आप सब? यार मैं हूँ पंजाब से, कहते कि किसी भी काम की शुरुआत तो पहला रब का नाम लेना बहुत जरूरी है। सुचा बोले सोने हाँ। आज मेरा बैंड नहीं आया, मैं 3-4 साल बाद पहली बारी गिटार फड़िया, तो सारा ने मेरा साथ देना। सो हेवी स्टार्टिंग एंड कीप एंजॉयिंग, हेवी गो। जानी भाई और बी प्रैक भाई को कौन कौन प्यार करता है? तो मेरा लेटेस्ट गाना जो कि लिखा जानी भाई ने, आज तक मैंने सारे गाने खुद के लिखे थे, लेकिन मेरा एक पहला गाना जो जानी भाई ने लिखा और बी प्रैक प्राजी का, उसका म्यूजिक है, द सॉन्ग इज पिंजरा। आप सब मेरे साथ गाओगे। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, मैं ना उड़ना चाहवा, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिनू मार देने हवा। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, मैं ना उड़ना चाहवा, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिनू मार देने हवा। जे मैं निकला बार मैनू दिसना मेरा यार, जे मैं निकला, जे मैं निकला बार मैनू दिसना लखा तरले पावा। किस किसने सुना ये गाना? मैं कलाकार आदमी नहीं था, ऐसे ही आपकी तरह ऑडियंस में से उठ के गाना शुरू किया था और आपसे ही इंस्पायर होके यहां तक आया हूं। तो मैं चाहता हूं जिस जिसने ये गाना सुना है मेरे साथ में गाओगे। मैनू पिंजरे दे विच कैद करो, ऐसा मैं परिंदा हाँ जिनू, कम ऑन, मैनू धुप्पा दे विच साड़ो, रज के धुप्पा दे विच साड़ो, मैनू धुप्पा दे विच साड़ो, मैनू खावण इच्छावां। रातां सारे बंद यार तक इकरा लब लैणा, मैं खुद ही पट के कब्र मेरी खुद नू ही दब लैणा। रातां सारे बंद यार तक इकरा लब लैणा, खुद ही पट के कब्र मेरी खुद नू ही दब लैणा। उनू सद्यो ना कोई जद जनाजा निकलू जानी दा, सद्यो ना कोई, उनू सद्यो ना कोई जद जनाजा
ਬਚਾਵਾ ਕਮ ਆਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹਾਂ ਐਸਾ ਮੈਂ ਪਰਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਹਵਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੋ ਰੱਜ ਕੇ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਣ ਦੇ ਛਾਵਾਂ ਉਹ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿਆਰਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੋ ये वीडियो बन रही है शर्ली को कौन कौन प्यार करता है सब मिलके गाओगे ये गाना ऊए मेरे से आना कर ऐ मेरे से आना कर में के तेरे बाजो आई लव यू ऑल थैंक यू के तेरे बाजो कोई भी नहीं मेरा ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਰਵਾਉਣਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆਸ ਲਗੇਗੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਪਿਆਸ ਲਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜੂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸੋਣੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਤਬਾਰ ਸੋਣੀਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜੀਏ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੁੜੀਏ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ Thank you so much. मेरे को लग रहा था मैंने कहा यार यहाँ गाने चल रहे हैं मैं कल्ला गिटार पे गाऊंगा कोई इंजॉय कर रहा होगा कि नहीं आपको मजा आ रहा है मैं दो तीन गाने और सुनाऊंगा मैं आपको ये आर अगला गाना दिलजीत पाजी को कौन कौन प्यार करता है आई एम वेरी लकी उन्होंने मेरा लिखा एक गाना जो मैंने खुद के लिए बनाया था जिंद माही MTV Unplugged में भी आया और उन्होंने खुद भी गाया वो गाना तो आप सभी के लिए जिंद माही Unplugged आज मेरी आवाज में गाना साहब ने सभी ने कम ऑन दूर दूर क्यों सचना जरा कोल ते आ साहा विच सा पाके आजा मुझ में समा ओ दूर दूर क्यों सचना जरा कोल ते आ हाय साहा विच सा पाके आजा मुझ में समा ए वा ओ जिंद माही आ जा ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਈ ਸੁਨ ਬੁਝਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੀਨੇ ਲਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਤਨਹਾ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤੜਪਾ ਸਜਣਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਸਮਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਮਾਹੀ ਉਹ ਸੀਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਜੋ ਤੂੰ ਲਾਈ ਉਸਨੂੰ ਬੁਝਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰੀਮੇਕ ਕੀਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ ਆਪ ਸਭ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ ਯਾਰ
ओके नाउ द नेक्स्ट वन, मैं आपको तीन गाने आज ऐसे सुना के जाऊंगा जो मैं जिंदगी में कभी रिलीज नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है कि कमेंट में गाली किसी को अच्छी नहीं लगती, और अगर मैंने वो गाने रिलीज किए तो गालियां बहुत आएंगी, क्योंकि जो सच्ची बातें होती है ना चुभती है थोड़ी सी। तो अगला गाना सारे लड़कों के लिए, लड़के कितने हैं यहाँ पे भाई ऊपर वालों, थैंक यू, तो सी भी उत्ते खड़े हो। और अगला गाना सारे लड़कों के लिए, खाली खाली दिमाग होता है शैतान का घर। ये गाने लिखे थे मैंने बिल्ले बैठ के, है ना। और आदमी सिर्फ तीन और चार चीजों के पीछे बदनाम होता है, तो पहला गाना सुना रहा हूं, उसके बाद एक मेरा गाना था सनी लियोन जिसकी वजह से मैं कलाकार बन गया, तो आज आपको वो भी सुना के जाऊंगा, तीन चार साल पुराना गाना है। सो पहला गाना चार चीजा फॉर ऑल द मैन हियर। वो एक दिन बैठा मैं सोचा ते मैनू हुई बड़ी हैरानी, ओ गंदी लगती चीज क्यों अपनी ते चंगी लगे चीज बेगानी, ओ हर बंदे दा ए अरमान कदे ना टले ए उम्र जवानी, बड़ा औखा लभदा ईमान और उतनी ही आसानी से मिलती है बेईमानी। सिर्फ चार चीजें हैं जिनके पीछे लड़के और आदमी बदनाम होते हैं, और वो चार चीजें पता कौन कौन सी है। ओ एक पैसा दूजी शराब, तीजा इश्क ते सोनी जनानी, एक पैसा दूजी शराब, तीजा इश्क ते सोनी जनानी, एक पैसा दूजी शराब, तीजा इश्क ते सोनी जनानी। और हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखो, सारे बड़े बड़े युद्ध औरतों के पीछे हुए। छोटी जी गाल सी किसे दी, जनानी वापस करती हुंदी ने बंदे मार गए महाभारत, है ना। तो इसके ऊपर इसका स्टैंजा है, ओ सच जो सयाने कह गए।